Students, hope you all are fine at home and keeping your health good. Here we having question number 4 of exercise 13.2. Here the question says that can you draw a triangle which has exactly one line of symmetry, exactly two line of symmetry, exactly three line of symmetry and no lines of symmetry. Okay. First of all, we have given that exactly one line of symmetry, that we have discussed that if we having isosceles triangle जिसकी दो लाइंस जो है वो इक्वल होगी, तो अगर हम उसको बीच में से कट करेंगे, बीच में से लाइन ड्रॉ करेंगे, सो वी विल गेट एग्जैक्टली, अभी उसको हम ओवरलैप करेंगे दूसरे पे, दैट विल बी एग्जैक्टली एज इट इज, मतलब दोनों सेम हो गए हमारे पास. सो दैट विल बी, जब हमारे पास आइसोसेल्स ट्राइंगल होगा तो उसमें हमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी. तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ वन लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट आइसोसेल्स ट्राइंगल. वेन वी हैविंग आइसोसेल्स ट्राइंगल वी कैन गेट वन लाइन ऑफ सिमेट्री. सेकेंड वन वी हैव गिवन दैट एग्जैक्टली टू लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इज नॉट पॉसिबल. ऐसा ट्राइंगल हमें नहीं मिल सकता जिसमें एग्जैक्टली टू लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल सके. ओके, देन वी हैव गिवन दैट एग्जैक्टली थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री. वेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलर ट्राइंगल, मतलब कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की जब हम बात कर रहे हैं जिसकी तीनों साइड्स जो है वो सेम है, जिसकी तीनों साइड्स जो है वो सेम है, तो उसको हम किसी भी एंगल से टर्न करेंगे, किसी भी एंगल से बेंट करेंगे, तो वी विल गेट द सेम, मतलब हमें एग्जैक्टली सेम ही मिलेगा. अगर हम इसको यहाँ से टर्न करेंगे, यहाँ से ओवरलैप करेंगे, तो भी हमें सेम ही शेप मिलेगा. फॉर सपोज वी आर बेंडिंग फ्रॉम हियर, तो भी हमें सेम ही शेप मिलेगा. और अगर हम उसको यहाँ से टर्न करेंगे तो भी तभी भी हमें सेम ही शेप मिलेगा. दैट इज, जब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं, वी कैन गेट थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री. देन वी हैव गिवन नेक्स्ट वन, दैट इज नो लाइंस ऑफ सिमेट्री, दैट इज स्केलन ट्राइंगल. इफ वी आर ड्रॉइंग स्केलन ट्राइंगल, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नो लाइंस ऑफ सिमेट्री. फॉर सपोज मैंने ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ किया है, इस ट्राइंगल को मैं किसी भी एंगल से बेंट करूँगी, मुझे सेम शेप नहीं मिलेगा, वो ओवरलैप नहीं होगा. सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नो लाइंस ऑफ सिमेट्री. नो लाइंस ऑफ सिमेट्री में हम कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हैं, दैट इज स्केलन ट्राइंगल. इसे हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल. ये हमने बात की जिसमें तीन लाइन ऑफ सिमेट्री, थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रहा था, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये क्या होगा, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. और जब हम ये मतलब वन लाइन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं, वी कैन गेट, हमें क्या मिलेगा, दैट इज आइसोसेलस ट्राइंगल. सो वी हैव डिस्कस्ड थ्री ट्राइंगल्स, दैट इज आइसोसेलस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड स्केलन ट्राइंगल. Here we have isosceles triangle with one line of symmetry, equilateral triangle with three lines of symmetry and scalen triangle with no lines of symmetry.